नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रही हैं हंसी की आवाज़। कहते हैं डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे हैं जो विगत 25 वर्षों से सेवा कर रहा है। दत्तरवाल मैटरनिटी हॉस्पिटल, लेक्रोस्कोपी हॉस्पिटल और आई हॉस्पिटल के नाम से आप सब जानते हैं। और एक ऐसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से आज हम बात करेंगे जिन्होंने कितने महिलाओं को जीवन दान दिया है और उनको खिलौने दिए हैं। आप हैं डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल जी, एक वन ऑफ द लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, जिनकी सेवाएं हांसी के लिए एक एसेट बन गई हैं। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड डॉक्टर, अ वेरी बोल्ड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल। आप देख रहे हैं पीछे पृष्ठभूमि में किन के साथ खड़ी हैं। ये बिग बी जो फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जो कहलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में भी आप जा चुकी हैं। और जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उतनी अच्छी एक व्यक्तित्व की धनी हैं। आइए इनसे एक विवाह बातचीत करते हैं कि आप डॉक्टर के साथ साथ एक काइंड हार्टेड वीमेन भी हैं, कैसा लगता है। सबसे पहले तो डॉक्टर दत्तरवाल, आपका हांसी के आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा जो आप मेरे बारे में बोले हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आपके पास आती हैं रिगार्डिंग डिलीवरी की, और सभी को आप बहुत बोल्डली टेकअप करती हैं, तो कैसा लगता है कि एक माँ को दूसरा जीवन देना, क्योंकि डिलीवरी होती है तो एक बच्चे माँ के अंदर से एक बच्चा निकलता है और जो उसके लिए खिलौना भी होता है और उसकी आगे की लेगेसी को बढ़ाता है। इसके लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे एक अच्छी ब्रेन और अच्छे क्लिनिकल और स्किल्ड हैंड्स के साथ ब्लेस किया हुआ है। और जो एक माँ के बाद आप बच्चा देखते हो, जितनी खुशी माँ को होती है उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है। कि हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि माँ और बच्चा ठीक ठाक अपने घर जाएं, कोई बच्चा नर्सरी में ना जाए, वो अपनी माँ के पास ही रहे। महिलाएं बड़ी लीन होती हैं, कुछ खाती नहीं हैं, जो गृहस्थी की महिलाएं ही होती हैं, या रूलराइट महिलाएं भी हैं जो बहुत इम्यून होती हैं, तो उनको क्या सलाह देने चाहती हैं आप? जैसे जो भी महिला हमारे पास आती है, कई लोग शुरू से ही हमारे साथ होते हैं, 9 के 9 महीने हमारे साथ होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बुक्ड पेशेंट होते हैं वो, तो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जो उनकी 9 महीने की होती है उसके अंदर उनके सारे टेस्ट होते हैं। तो हमारा ये दृढ़ निश्चय होता है कि कम से कम उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 या 13 ग्राम हो, चाहे हम उसको गोली खिला के पूरा करें, चाहे हम उसको इंजेक्शन लगा के पूरा करें, या फिर बाद में उसको चाहे ब्लड लगाना पड़े, लेकिन देश के लिए अगर हमारे बच्चे मजबूत नहीं हैं तो इसका हम मतलब हम कोई देश सेवा नहीं कर रहे। आप ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को और आम महिलाओं को क्या एडवाइस करना चाहती हैं अपनी यानी कि हेल्दी डाइट के लिए? हम लोगों को यही सलाह देते हैं, गो फॉर लोकल थिंग्स जो आपके एरिया में हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें खा के ही आपका खून बढ़ेगा। आप शुरुआत कर सकते हो लोकल चीज़ों से, जैसे कि काले चने, थोड़ा गुड़, हरी सब्जियां, हर आदमी के खेत में होती हैं, साथ में जितनी भी दालें या स्प्राउट्स, या सर्दियों के दिनों में जितने भी ये मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा, वो बहुत हेल्दी डाइट में आते हैं। पर लेकिन आजकल महिलाओं को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जितना फास्ट फूड में इंटरेस्ट, जंक फूड जिसे, जंक फूड या फिर जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं। तो हम उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपको फास्ट फूड से और जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं इनसे दूर रहना है। जो भी खाओगे आप, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश सब्जियां खाओ। अब जो हमारा एरिया है हांसी का, इसके आसपास तो सब्जियां भी बहुत होती हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे और अपनी आयरन और कैल्शियम की गोली बंद ना करें।
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप एक प्रेग्नेंट महिला को क्या कहेंगी, किस तरह का उसको लिटरेचर पढ़ना चाहिए जाकि अंदर जो बच्चा जो भ्रूण है उसी तरह के करैक्टरिस्टिक्स उसमें आए, और किस तरह का खुश रहना चाहिए, कैसा? हर घर का मेंटल मेकअप अलग होता है, हर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, लेकिन जिसका सब कुछ ठीक ठाक है मेरे हिसाब से उसको गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए। गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी टर्म दिया आपने यहाँ की। आप यहाँ लेप्रोस्कोपी का भी आपके यहाँ है हॉस्पिटल में? लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी सब कुछ करते हैं। अच्छा, भविष्य की प्लानिंग क्या है आपके हॉस्पिटल में, मैं जानूंगा, इन फ्यूचर आप कुछ और भी करना चाहती हैं इसको? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा जो सेंटर है इसके अंदर जितनी भी महिलाओं संबंधी समस्याएं हैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी से रिलेटेड, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, IVF है, अल्ट्रासाउंड है, लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी है, या किसी भी महिला को मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसके लिए ICCU बनाना या ICU बनाना, मैं चाहूँगी कि मेरे पास ये सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में मैं बना सकूँ उनको। यहाँ एक ही छत के नीचे गायनी का पूरा ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ होगा? इच्छा तो मेरी यही है, बाकी प्रभु इच्छा। नहीं, आप जो इच्छा करती हैं वो प्रभु आप पे मेहरबान रहता है, वो इच्छा पूरी हो जाती है। और ये हॉस्पिटल, मैं बता दूं आप व्यूवर्स कि ये हॉस्पिटल कभी भी काउंटडाउन नहीं हुआ, कभी नीचे नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर इतनी कॉम्पिटेंट हैं, उर्मिल दत्तरवाल जी, जिनको मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा, ग्रेटिट्यूड भी देना चाहूँगा कि ये खांसी के पता नहीं कितने हजारों यानी कि बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, जिसे कहूँ उनकी माँ कहलाती हैं, जिनकी आती हैं बच्चियाँ आती हैं जो, तो उनको बड़े प्यार से दुलार से और बहुत काइंड हार्टेड है। इनका हॉस्पिटल वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल है। ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस आप ले लेती हैं यहाँ पर, इतनी बोल्ड क्यों हैं आप ये? मैं इसके लिए भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ, मेरे सिर के ऊपर है कि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रखा है, और मेरे जो माँ पिताजी थे उनका भरोसा और मेरे मरीजों का भरोसा, जिन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया है, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा रखा है, मैं उन लोगों का दिल से एहसान कभी चुका नहीं सकती। माँ बाप का कोई भी एहसान नहीं चुका सकता, नहीं मेरे मरीजों का भी नहीं चुका सकती, जिन्होंने मुझ में इतना भरोसा रखा है। वो आपको भगवान मानते हैं और आप अपने क्लाइंट को भगवान मानते हैं? मैं कहती हूँ उन, ये जो मरीज हैं इन्होंने मुझे जीने का एक मकसद दिया है, जितना भरोसा इन्होंने मुझ पे जताया है और जितनी तन मन धन से मैं उनके लिए डेडिकेटेड हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो मुझ में भरोसा है उसके साथ। ये आपकी डेडिकेशन ही तो इस हॉस्पिटल को हाई पीक्स पे ले जाती है, डॉक्टर की डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज पेशेंट जो है। आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप यानी कि 3 घंटे भी रहकर OT के अंदर पेशेंट को बचा लेती हैं और बच्चे को भी बचा लेती हैं, ऐसा क्यों? इसके लिए तो मैं क्या बताऊं कि उनका भरोसा और मेरा भरोसा मुझ में, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, ये शुरू से है। 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और भारत इस दिन आज़ाद हुआ था तो 2 दिन बाद, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहती हैं सभी देशवासियों को? मैं देशवासियों को कहूँगी कि जो देश है इसको हमने ही बनाना है, और बूंद बूंद से घड़ा भरे, आप सब लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि सरकार क्या करेगी या सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, लेकिन जितना हो सकता है हम लोगों को अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है और करना चाहिए, और करते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, ये दत्तरवाल हॉस्पिटल और इतनी खुश मिजाज डॉक्टर और इतनी कॉम्पिटेंट डॉक्टर शायद ही मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं कि इतनी मिली हो। तो आप आइएगा, इस हॉस्पिटल के अंदर प्रोग्रेस भी हो रही है और आई डिपार्टमेंट आ गया है जहाँ डॉक्टर बामल बिस्ला जी बैठते हैं, और इसको आगे भी डॉक्टर साहब का बनाने का प्रोग्राम है।
हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहें और इसी तरह सभी का जीवन बचाती रहें और खूबसूरत से बच्चों को यानी कि देश के लिए। बहुत धन्यवाद, और मैं हांसी के लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मरीज तो पूरे हरियाणा से आते हैं, लेकिन जितना हांसी वालों ने मुझे सम्मान दिया है, मुझ में विश्वास रखा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। देखते रहिए हंसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि डॉक्टर दत्तरवाल आउटस्टैंडिंग गायनाकोलॉजिस्ट क्यों हैं और क्यों इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लबरेज है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।